बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मियां आबिद अली। बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी की। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ साइंस। साइंस की डेफिनेशन देखेंगे। साइंस क्या कहते हैं? साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजंस आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस वो इलम है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं और मंतकी नतज अखज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइंस की। साइंस की शाखों की बात करेंगे। साइंस इट्सेल्फ एक ब्रॉड नॉलेज है। हर चीज़, साइंस का मतलब है जानना, नॉलेज हर चीज़ के बारे में जानना। तो इतने ब्रॉड नॉलेज को फर्दर डिवाइड किया गया है। चार साइंस की शाखें हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बात करेंगे अपने मेन टॉपिक बायोलॉजी की, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की। Define biology and what is the definition of biology? Biology is a scientific study of life. जिंदगी का साइंसी मुतालिया biology कहलाता है। Derivation of biology word, explanation of biology, कहते हैं the word biology has been derived from two Greek words. लफ्ज biology दो यूनानी जुबान से अखज किया गया है। Bios meaning life and logos meaning थॉट और रीजनिंग। बायोस का मतलब जिंदगी और लोगोस का मतलब सोचना, वजह तलाश करना। द वर्ड बायोलॉजी यूनानी जुबान से ही, ग्रीक वर्ड से ही क्यों अखज़ किया गया? क्योंकि शुरू में जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टो है, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ये भी यूनान का रहने वाले था। तो फितरती दुनिया के डाटा को सबसे पहले यूनानियों ने मुरतब किया बायोलॉजी के ऊपर, जानदारों की ज़िंदगी के ऊपर। सबसे पहले जिन्होंने स्टार्टिंग में काम किया वो साइंटिस्ट मोस्टली ग्रीक के रहने वाले थे। तो इस वजह से बायोलॉजी का जो वर्ड है वो यूनानी ज़ुबान से ही अखज़ किया गया है। जो यूनानी ज़ुबान के अल्फाज हैं वो हैं बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब सोचना, वजह तलाश करना। नेक्स्ट है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की तीन बड़ी डिवीजन्स है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया। जूलॉजी क्या कहते हैं? दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी जानवरों का साइंसी मुतालिया जूलॉजी कहलाता है। जिस तरह जू में एनिमल्स होते हैं तो वहाँ से जूलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। नेक्स्ट है बॉटनी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी में पौधों का साइंसी मुतालिया किया जाता है। एंड थर्ड वन डिवीजन है बायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इतना स्मॉल कि हमें नेकड आई से नज़र नहीं आता। तो बहुत से ऐसे जानदार हैं जो एग्जिस्ट करते हैं मगर हम उन्हें नेकड आई से नहीं देख सकते। उनका मुतालिया करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उन जानदारों का मुतालिया जो हमें नेकड आई से नज़र नहीं आते, उनका साइंसी मुतालिया माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जिस तरह बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, ये वायरसेस हैं, ये सारे के सारे ऐसे जानदार हैं जो हमें नेकड आई से, खुली आंख से नज़र नहीं आते। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की हम बात करेंगे, बायोलॉजी की शाखों की। फर्स्ट वन हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स है, पैलेंटोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड द लास्ट वन, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज। बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बनावट और साख्त का मुतालिया मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कि जानदारों की बनावट कैसी है, किस तरह एक जानदार बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है। तो ये बायोलॉजी की ये शाख जानदारों की बनावट और साख्तों का मुतालिया करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। जिस्म के अंदर वाले हिस्सों का, जिस्म के अंदर वाले
ऑर्गन्स का मुतालिया किया जाता है एनाटॉमी के अंदर, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी हिस्सों का मुतालिया, अंदरूनी साख्तों का मुतालिया क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। जिस तरह हम स्टडी ऑफ हार्ट है, स्टडी ऑफ स्टमक है, लंग्स है, जो जिस्म के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनका मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है बायोलॉजी की, हिस्टोलॉजी। हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जानदारों के जो टिश्यू है वो सेल्स से मिलके बना होता है और एक सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो सेल्स का मुतालिया करने के लिए, टिश्यू का मुतालिया करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें बॉडी से मखसूस हिस्सों से टिश्यू लिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर डाई फेंकी जाती है, डिफरेंट तरह के स्ट्रेन किए जाते हैं और फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। तो बायोलॉजी की ये शाखा जो माइक्रोस्कोप के मदद से टिश्यू का मुतालिया करती है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल। कहते हैं सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख्तों और अफाल का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। एक सेल के अंदर दर्जन के करीब ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन सभी ऑर्गेनेल्स की साख्त के वो कैसे हैं, राउंड हैं, रॉड शेप हैं, किस शक्ल के हैं और वो क्या काम करते हैं, और एक कंप्लीट सेल का और उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स की साख्तों और फाल का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। कहता है दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल के तकसीम होने का भी मुतालिया करती है, लाइक एक सेल तकसीम होता है और दो सेल बनते हैं माइटोसिस के जरिए, सेल डिवीजन के जरिए, तो एक सेल से दो सेल बनने के अमल का भी ये मुतालिया करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के मुख्तलिफ हिस्सों के अफाल का मुतालिया, जानदारों के जिस्म में सर अंजाम दिए जाने वाले अफाल का मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। लाइक हमारे पास स्टमक है, स्टमक क्या काम करता है, उसके अलावा हार्ट है, हार्ट क्या काम करता है, डिफरेंट ऑर्गन के जो अपने काम कर रहे हैं उनका फंक्शन का मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। कहते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। कहते हैं एक एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, अ डेवलपिंग जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। नशुमा पाते जायगोट को एम्ब्रियो कहते हैं। जायगोट क्या होता है, नर और मादा के जिन्सी सेल जब आपस में इनका मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनता है जिसे जायगोट बोलते हैं। जायगोट में माइटोसिस होती है, एक सेल तकसीम होकर दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह खरबों सेल बनते हैं। और एक जब ये जायगोट नमू पा रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर एक मुकम्मल जानदार बनता है। तो इसका मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी का मुतालिया, एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की शाखा है टैक्सोनॉमी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कहते हैं जानदारों को साइंसी नाम देने और उनको छोटे बड़े ग्रुप्स में तकसीम करने का इलम टैक्सोनॉमी कहलाता है। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो शाखा है जो जानदारों को एक तो साइंसी नाम देती है, साइंटिफिक नेम देती है, और दूसरा उनको छोटे बड़े ग्रुप्स में तकसीम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है जेनेटिक्स, वरासत। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स का मुतालिया और वरासत में इनका किरदार जेनेटिक्स कहलाता है। जीन क्या होता है, लाइक ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसके पास प्रोटीन की तैयारी के लिए हदायत मौजूद होती है, उस हिस्से को जीन बोलते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। तो स्टडी ऑफ जीन को जेनेटिक्स बोलते हैं, एंड द रोल इन इनहेरिटेंस और विरासत में इनका किरदार जेनेटिक्स कहलाता है। इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। इनहेरिटेंस और विरासत से क्या मुराद है, खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, या खसूसियात का वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होना विरासत कहलाता है। और ये विरासत के जिम्मेदार जीन्स होते हैं जो खसूसियात को वालदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो जीन्स का मुतालिया और विरासत में इनका किरदार जेनेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन पैलेंटोलॉजी। कहता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। कहता है फॉसिल्स का मुतालिया पैलेंटोलॉजी कहलाता है।
फॉसिल्स क्या होते हैं, नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात, वो जानदार जो नापैद हो चुके हैं अब मौजूद नहीं है और उनके जो स्केलेटन है, हड्डियां वगैरह जो बची हुई हैं वो फॉसिल्स कहलाते हैं और उन्हीं फॉसिल्स का मुतालिया पैलेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जानदारों और उनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का मुतालिया इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। एक जानदार का अपने माहौल के साथ गहरा ताल्लुक है। जानदार अपने माहौल के हवा, पानी, रोशनी, मिट्टी के साथ फुली डिपेंडेंट होता है। इन चीज़ों के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके अलावा इन्वायरमेंट के दूसरे जानदारों के ऊपर भी असरअंदाज होता है। तो एक जानदार का अपने माहौल के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका मुतालिया इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। कहते हैं दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। ये जानदार उन जानदारों के माशरती रवैयों से मुतालिक है जो माशरे बना के रहते हैं, सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। बायोलॉजी की वो शाख जो पैरासाइट्स का मुतालिया करती है उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। एंड पैरासाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपने होस्ट से, मेज़बान से रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। रहने की जगह लेते हैं, खुराक लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरह लाइस है, जुएं हैं, खटमल है, मच्छर है, जोंक है, ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट से, अपने मेज़बान से खुराक लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी। कहते हैं इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कहता है ये इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आलमोस्ट 12% पॉपुलेशन डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में मुबतला है। तो हर डायबिटिक पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले शुरू शुरू में इंसुलिन एनिमल्स के ब्लड से हम सेपरेट करते थे तो वो बहुत एक्सपेंसिव थी और टाइम कंज्यूमिंग था, तो इतने ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करना मुश्किल था। तो अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इंसानों में वो जीन जो इंसुलिन बनवाता है उस जीन को बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फिर बैक्टीरिया क्या करता है, वही इंसुलिन को बनवाता है। तो वही इंसुलिन अब सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करें। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एक फील्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। कहते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ये जानदारों के मुदाफती निज़ाम का मुतालिया, इम्यून सिस्टम का मुतालिया, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिव माइक्रोब, जो क्या करते हैं जिस्म को बीमारी पैदा करने वाले जो जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके खिलाफ बॉडी को दफा देता है। लाइक वायरसेस है, बैक्टीरिया है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं बॉडी में जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम WBC वाइट ब्लड सेल्स उनको फाइट करते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम का मुतालिया इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जानवरों के मुदाफती निज़ाम का मुतालिया इम्यूनोलॉजी कहलाता है। मुदाफती निज़ाम क्या करता है, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब, हमलावर जो माइक्रोब्स हैं, जो जानदार हैं, जो बीमारी पैदा करने उनके खिलाफ बॉडी को दफा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात का मुतालिया एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी। कहता है इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहता है इंसानों के ऊपर अद्वियात और उनके असरात का मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। जब ये एक मार्केट के अंदर मेडिसिन लॉन्च की जाती है उससे पहले उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं रैबिट के ऊपर, माइस के ऊपर उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि क्या इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जिन जानवरों के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि इनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। उसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद ह्यूमंस के ऊपर ये मेडिसिन अप्लाई की जाती है। तो अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर, इंसानों के जिस्म पर इनके असरात का मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द बायोलॉजिकल इश्यूज नॉट ए, आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज क्या है। कहता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसानी आबादी में इजाफा, इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सी मोहलिक अमराज,
एडिक्टिव ड्रग्स, नशावर अद्वियात एंड पोल्यूशन, आलूदगी आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टूडे, आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।